पूरा एक डेढ़ महीना हमें परेशान कराया पुलिस वालों ने, हर दूसरे दिन बुला बुला के कि अपने लड़के को लेके आओ, नहीं तो हमें धमकी दे रहे थे कि तुम बंद हो जाओगे। ये देखिए किस तरह से मार पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले, ये देखिए पुलिस वाले किस तरह से मार पिटाई कर रहे हैं, गाड़ी को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। उनकी साड़ी को काट के उनके मुँह में ठूसा हुआ था। कोई अपने आप ऐसे नहीं कर सकता है। बहुत ही बुरी तरह से मेरी मम्मी को मारा है, एकदम बॉडी पूरी जली हुई जैसे लग रही है। यहाँ पे ये सब पूरा जला हुआ है उसका, ये पूरी हथेलियाँ नीली नीली हो रखी है, पूरा ये पेट ये सब जला हुआ है। उसकी बहन ने राजेंद्र के सामने में कहा है कि तुम्हारी माँ मर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं जारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम यहाँ मौजूद हैं सरिता विहार में, जहाँ दिन दहाड़े महिला के मर्डर का मामला सामने आया है। बता दें कि दो पक्ष के बीच का ये विवाद बताया जा रहा है, लड़की लड़के के भाग जाने के बाद से ही ये मामला जो है शुरू हुआ। और अभी जो हम मौजूद हैं वो हम लड़के वाली फैमिली से बातचीत करके पूरे मामले के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पिंकी है, और जो जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरी मम्मी थी, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। ये मेरी छोटी बहन है। ये 18 अगस्त को मेरा भाई और इनकी लड़की दोनों घर से निकल गए, हमें पता नहीं कहाँ है। इन्होंने कंप्लेन की हमारे अगेंस्ट कि इनकी मम्मी ने और इनके जीजा ने मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट और मेरे भाई बहनों पे जो इन्होंने भगाया, जबकि हमें कुछ भी नहीं पता था। इन्होंने कंप्लेन की, ये नागेंद्र हमारे यहाँ आए, हमें लेके गए थाने। नागेंद्र कौन? कांस्टेबल है वो, हमें लेके गए थाने पे। और वहाँ पे हमसे बार बार यही पूछा जा रहा है कि मतलब अपने भाई को लेके आओ, अपने भाई को लेके आओ, नहीं तो तुम सब बंद हो जाओगे। उसके बाद पूरा एक डेढ़ महीना हमें परेशान कराया पुलिस वालों ने, हर दूसरे दिन बुला बुला के कि अपने लड़के को लेके आओ, हमें धमकी दे रहे थे कि तुम बंद हो जाओगे। इस तरह से हमें टॉर्चर किया जा रहा था, मेरी मम्मी को टॉर्चर कर रहे थे ये लोग। शनिवार को मुझे, मेरी बहन को और मेरी मम्मी को, तीनों को इन्होंने बंद करवा दिया SHO सर ने। जब मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा है 5 बजे शाम में। मेरी मम्मी को और मेरी बहन को तब भी बिठा के रखा है, हमें इन्हें छोड़ा नहीं। कब से आपकी मम्मी गायब से? ये सोमवार की रात से 2:30 बजे से, जब मेरी बहन की नींद टूटी है 2:30 बजे में, तो ये इसने ढूंढना शुरू किया। पहले बाथरूम गई है देखने के लिए, बाथरूम में देख के आई है, फिर इन्होंने पड़ोसी आंटी को है उन्हें उठाया, उनके साथ मिलके इन्होंने सब जगह ढूंढा, मैं यहाँ थी नहीं। मैं इसने फिर मुझे फोन किया है, मैं 4 बजे करीब यहाँ आई हूँ। उसके बाद हम सबने मिलके ढूंढा है, जब हमें कहीं नहीं मिली है तब हमने 100 नंबर पे कॉल किया, वहां से फिर उन्होंने नागेंद्र कांस्टेबल है उसे भेजा। हमने उन्हें सारी बात बताई, हमने कहा इनसे पूछताछ कीजिए और इनके घर में चेक कीजिए। ये क्या, ये घर है लड़की वालों का? ये घर है, हमने कहा इनसे पूछताछ कीजिए। तो नागेंद्र ने उन्हें बुलाया और इनसे पूछताछ की। उसकी बहन ने नागेंद्र के सामने में कहा है कि तुम्हारी माँ मर जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद भी नागेंद्र से हम कह रहे हैं कि आप इनके घर में एक बार चेक कर लो, उन्होंने चेक नहीं किया इनके घर में। उसके बाद भी ना हमारी कंप्लेन ले रहे थे वहां पे, वो कह रहे थे तुम अपनी माँ को हाजिर करो, नहीं तो तुम तीनों को बंद कर देंगे, मुझे, मेरी बहन को और मेरे हस्बैंड को, हम तीनों कंप्लेन लिखवाने गए। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मेरी मम्मी मेरे भाई के पास नहीं जा सकती, मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं पता है मेरे भाई के बारे में। आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपका भाई कहाँ पर है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है। और पुलिस वाले हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई के पास गई है, उसे हाजिर करो, नहीं तो तुम सब बंद हो जाओगे जेल में। सबसे पहले किसने देखा वहाँ पर बॉडी को? कोई लेडीज है क्या हमारे कैंप की, उन्होंने देखा है, उन्होंने आके हमें बताया है। तब हम गए तो मेरी मम्मी वहाँ पे मिली हमें। ये देखिए किस तरह से मार पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले, ये देखिए पुलिस वाले किस तरह से मार पिटाई कर रहे हैं, गाड़ी को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। बहुत ही बुरी तरह से मेरी मम्मी को मारा है, एकदम बॉडी पूरी जली हुई जैसे लग रही है। यहाँ पे ये सब पूरा जला हुआ है उसका, ये पूरी हथेलियाँ नीली नीली हो रखी है, पूरा ये पेट ये सब जला हुआ है। बहुत ही बुरी तरीके से मारा है मेरी मम्मी को इन लोगों ने। मैं चाहती हूँ बस हमें न्याय मिले, मेरी मम्मी को न्याय दिलवाइए और इन्हें फांसी की सजा दिलवाइए। मैं बस ये चाहती हूँ कि पूरी फैमिली को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, इन सबने मिलके मारा है मेरी मम्मी को। आप लड़की वालों को ही मतलब पूरा जिम्मेदार मानती है कि इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है?
हाँ इन्होंने ही मारा है मेरी मम्मी को, इन सब इन्होंने ही मिलके मारा है सबने। अच्छा एक बात बताइए, पुलिस सिर्फ आपकी तरफ दबाव बना रही थी या लड़की वालों से पूछताछ हो रही थी? उनकी पूरी बात सुनी जाती थी हमारी, हम बोलने से पहले ही हमें डांट दिया जाता था, उनकी पूरी बात आराम से सुनते और धमकी देते कि तुम बंद हो जाओगे। मैम जब उन्होंने बाहर निकाला है गेट काट के, तो मैंने देखा, मुझे तो देखने नहीं दिया ढंग से किसी ने, लेकिन मैंने उसका हाथ और ये पेट देखा, यहाँ से मुंह से पूरा ब्लड निकला हुआ है, ये हाथ जले हुए हैं, पेट जला हुआ है, बस मैंने इतना देखा। ये मर्डर है, देख के ही लग रहा है कि मर्डर है, आप फोटो में देख सकते हैं। लगता है कहीं से कहीं इन्होंने आत्महत्या करी होगी। जी ये सरासर मर्डर है, जिस तरीके से हमने देखा है कि पूरी बॉडी जली हुई है, उनकी साड़ी को काट के उनके मुंह में ठूसा हुआ था, कोई अपने आप ऐसे नहीं कर सकता है, और उनके मतलब हाथ भी ऐसे लग रहे थे जैसे कस के किसी ने बांधे हुए थे, जो कि इस तरीके से पैर पे भी निशान हमने देखे थे इस तरीके से। और क्या बोलते हैं, मरने से पहले 4 दिन पहले जिस दिन वो थाने से आई थी, सुबह में मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, थाने से ही आ रही थी शायद वो, तो वो रोती हुई रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाभी क्या हुआ, मेरा नाम लेके बोली कि दीदी अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि ये लोग मुझे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैंने कहा आप घबराओ मत, मैंने क्या हुआ कि मेरे से पैसे का मांग कर रहे हैं। कौन मांग कर रहा था? मेरे को नाम नहीं बताया था, इन बच्चों को मालूम है। पैसे की मांग कौन कर रहा था आपकी मम्मी? नंदराम और ये किरण, इन दोनों ने मांग की कि आप 60,000 रुपए दे दो। ये लोग कौन है? ये यही कैंप के में ही रहते हैं, मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, लेकिन उनका नाम मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि ये लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं 60,000 रुपए केस रफा दफा कराने के लिए। मेरी मम्मी 60,000 रुपए कहाँ से लाती है, हम इतने गरीब हैं, मेरी मम्मी सब्जी की रेडी लगाती है, उनके पास 60,000 रुपए कहाँ से आएंगे इनको देने के लिए, इसलिए मेरी मम्मी इनको नहीं दी पैसे, और शायद इसी वजह से इन लोगों ने मारा है मेरी माँ को, इन सब ने मिल के मारा है। अच्छा अभी ये लड़की वालों के घर पे ताला लगाया, तो ये लोग कहाँ है अभी? अभी वो भी हमने जिस दिन हमें बॉडी मिली है, तो बहुत हमने सब लोगों ने उनसे कहा कि इनको गिरफ्तार कीजिए, इनसे पूछताछ कीजिए, क्या पता लड़के को भी मार दिया हो, तब जाके हमारे बहुत बोलने पर उनको गिरफ्तार करके ले गए, पर उसमें भी इनकी माँ फरार है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाजा है ये घर लड़की वालों का है, और दोनों के घर आसपास ही है, इसके बगल वाला घर आप देखेंगे तो ये घर जो है ये लड़के वाले का घर है, घर दोनों के एक ही एरिया में आसपास है। तो जैसा कि पूरा मामला आपने देखा, फैमिली का कहना है कि मर्डर किया गया है, किसी भी ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह की मतलब आत्महत्या का केस हो, ये सारी जो निशान है और जो सबूत बॉडी पर देखे गए हैं उनके हिसाब से ये मर्डर का केस बनता है, और फैमिली ने ये केस भी किया है जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है फैमिली को इंसाफ मिल सके और जो बात है लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। उम्मीद करते हैं कि फैमिली को निष्पक्ष तरीके से पुलिस इसको इस पर जाँच करनी चाहिए और जो है इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा छलको दिल्ली।